मेरी तरफ से जो आज का प्रिफर्ड पिक रहेगा वो रहेगा हीरो मोटोकॉर्प हमने लास्ट ट्रेडिंग डे को भी दिया था एंड इट मूव नाइसली, तो हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे फॉलो थ्रू के चांसेस बन रहे हैं एज पर द डेली चार्ट। और हमारा फ्यूचर्स अप्रैल फ्यूचर्स के हिसाब से करीब करीब 4750 का लेवल है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो हम यहाँ पे अगर 4720 का SL लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे हमारा 4800 का पहला टारगेट और 4850 का सेकंड टारगेट बनता हुआ हमें जल्दी ही नजर आना चाहिए। सारे ही एवरेजेस के सपोर्ट से ये मूव शुरू हुआ है तो यहाँ पे फॉलो थ्रू के चांसेस अच्छे हैं, मोमेंटम इंडिकेटर भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, हीरो मोटोकॉर्प पर नज़र रखिए। आज वैसे भी टू व्हीलर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ऑटो स्टॉक्स, क्योंकि अप्रैल सेल्स के, मार्च सेल्स के सॉरी नंबर्स आएंगे। हीरो के शायद अगले दिन आते हैं अगर मेरी मेमोरी सही है तो, लेकिन खैर फिर भी स्टॉक पर नज़र रहेगी यहाँ पर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग। मेरा जो ट्रेड है डिफेंसिव पैक और वो हैवेल्स इंडिया। ना हैवेल्स इंडिया का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काफी गिरावट आई करीब 1600 से 1450 में, लेकिन जो बाउंस एरिया थे वो जगह अच्छी थी बाउंस की, और 2-3 दिन से एक अपू देख रहे हैं हैवेल्स इंडिया पे। ट्रेड करा है 1515 पर, टॉप होगा 1500 का, तो ₹15 का स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरे ख्याल से 1550 के नजर आते हैं, एक अपू मिलना चाहिए हैवेल्स इंडिया। ओ, ये आपने याद दिलाया, कैसे आपको कुछ याद दिलाना था, मैं भूल गया। आपको याद है थर्सडे को आपको कुछ मंडे सुबह याद दिलाना था। गाबा सर, हाँ जी, गाबा सर भूल गए मैं भूल इसलिए। गया, मुझे याद है। क्या ओ, ईयरली स्टॉक निकालना है इसका। ये, जब वो हमने चर्चा करी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर गए थे, तब ये कहा था कि पैनल से रिक्वेस्ट थी कि आज एक इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप लोग अपफ्रंट कौन सा एक एक स्टॉक चुनना चाहोगे। अब वो 3, 6, 9 महीने, 12 महीने जो पसंद आ रहा वो बातचीत, लेकिन वो आगे। असल में सचिन ने अभी पूछा था कि फाइनेंशियल ईयर वाला है कि आज वाला है। सचिन गुड मॉर्निंग, अभी आज वाला है, आज के टॉप कॉल। सचिन कौन सा स्टॉक रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द एंटायर पैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू द एंटायर CNBC आवाज टीम फॉर येट अनदर अचीवमेंट। थैंक यू। एंड आई थिंक जिस तरीके से फिलहाल मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर यू नो सीमेंट स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। काफी अंडर परफॉर्मेंस पिछले सीरीज में नजर आई थी, एंड जिस तरीके से बेस बिल्डिंग फॉर्मेशंस है उसमें से मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। एक काफी कॉन्फिडेंट बेस के आसपास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, जिसका प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 10,200 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 10,060 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे इंट्राडे में 993 जो पहला टारगेट होगा, सेकेंड टारगेट होगा 10,060 का, एंड स्टॉप लॉस आपको कहीं जाकर 9690 के आसपास लगाना है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यह है सचिन का आज का प्रेफर्ड आइडिया। मानस गुड मॉर्निंग। मानस हमारा टॉप कॉल। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस अनुज जी, आपकी पूरी टीम को, आशीष थैंक यू जी, मैंने, थैंक यू सर। तो एक बड़ा अचीवमेंट था वो भी। तो देखिए, जो आज के लिए खरीदारी का ट्रेड है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, और जो लास्ट सेशन था उसमें हमने स्टॉक को 20 और 50 डे मूविंग एवरेज बीच होते हुए देखा। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिले। तो आई थिंक LIC हाउसिंग में करेंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 602 ₹602 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 625 625 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 620 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, ₹16 के आसपास की क्लोजिंग थी तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करिए। ₹12 का स्टॉप लॉस लगाइए, ₹24 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो चलिए ये हो गई मानस के पिक का। अब राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। अनुज जी गुड मॉर्निंग, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, नजर है B2 पे और उसमें से बजाज फिनसर्व, ये मेरा टॉपिक होगा। जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया था, मुझे लगता है यहाँ पे और मोमेंटम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है जाते जाते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई थी तो एंट्री अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है। तो बजाज फिनसर्व पे बाय है, 1658 का क्लोज था, जो भी डिप मिले उसमें बाय करें, 1625 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका आज का इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा 1700 से लेकर 1720 का।
थर्सडे के सितारे थे ये B2 बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, वो जो अपडेट्स आ रहे थे नेटवर्क के एक्सक्लूसिव। सतपुते साहब को उन दोनों में आज फिर से पसंद आ रहा है बजाज फिनसर्व, खरीदारी करने के मौके यहाँ पे ढूंढे। आज के सारे प्रिफर्ड आइडियाज हो चुके। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।